तो दोस्तों, आखिर वो वीडियो आ ही गई जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के बारे में। एमसीयू की इस 28 फिल्म में हमें कई सारे यूनिवर्स देखने को मिले जहां डॉक्टर स्ट्रेंज का सामना होता है अपने ही अलग अलग अवतारों से। इसके साथ ही यहां हमें बहुत सारे सुपर हीरोज का जबरदस्त एक्शन देखने को भी मिला। अगर आप इस फिल्म को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। इस मूवी की स्टोरी वांडा विजन सीरीज के बाद की है। उस सीरीज में हमने देखा था कि वांडा ने अपनी शक्ति से वेस्ट व्यू शहर को पूरी तरह बदल दिया था और उसने वहां अपना एक नकली परिवार बना लिया था जिसमें उसके दो जुड़वा बच्चे भी शामिल थे। फिर बाद में वांडा का सामना हुआ अगाथा हार्कनेस नाम की एक विच से जो कि उसकी शक्तियां चुराना चाहती थी, पर वांडा ने उसे हरा दिया और वो बन गई स्कारलेट विच। इसके बाद उसने वेस्ट व्यू शहर से अपना जादू हटा लिया जिससे विजन और उसके दोनों बच्चे गायब हो गए। फिर वांडा सबसे दूर चली गई थी और उसने अपनी शक्तियों को अच्छी तरह समझने के लिए अगाथा हार्कनेस की बुक डार्क होल्ड को पढ़ना शुरू कर दिया था। डार्क होल्ड काले जादू की एक ऐसी किताब थी जो कि उसे पढ़ने वाले को भ्रष्ट करके उससे गलत काम करवाती थी। उस किताब में ये भविष्यवाणी थी कि स्कारलेट विच इस ब्रह्मांड पे राज करेगी या उसका विनाश करेगी, और इस भविष्यवाणी को सच साबित करने के लिए डार्क होल्ड वांडा को बहकाना शुरू करती है जिससे उसे अपने बच्चों की याद आने लगती है और उसे बार बार अपने बच्चों के सपने दिखाई देते हैं। फिर वांडा को डार्क होल्ड से ये पता चलता है कि सपने असल में दूसरे यूनिवर्स में हमारी अलग जिंदगी की एक झलक है। इससे वांडा को ये समझ में आता है कि मल्टीवर्स में ऐसी कई दुनिया है जहां उसके असली बच्चे मौजूद है और वहां उसकी जिंदगी बहुत खुशहाल है। ये सब जानने के बाद वांडा को उस यूनिवर्स में जाने की इच्छा होती है जहां उसके बच्चे मौजूद है, पर उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जिससे कि वो उस यूनिवर्स में जा सके। इसीलिए वो मल्टीवर्स के बारे में और जानकारी हासिल करना शुरू करती है जिससे उसे अमेरिका चावेज नाम की एक लड़की के बारे में पता चलता है। अमेरिका चावेज एक ऐसी लड़की थी जिसके पास मल्टीवर्स में ट्रेवल करने की पावर थी, मतलब वो पोर्टल बनाकर एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स में जा सकती थी, लेकिन उसे अपनी पावर इस्तेमाल करना नहीं आता था। वो जब भी बहुत डर जाती थी तभी उसकी वो शक्ति काम करती थी। उधर वांडा को अपने बच्चों के पास जाने के लिए इसी शक्ति की जरूरत थी, इसीलिए वो अमेरिका चावेज के पीछे पड़ जाती है और वो दूसरे यूनिवर्स के राक्षसों को अपने वश में करके उन्हें अमेरिका को पकड़ने भेज देती है, जिनसे बचने के लिए वो अलग अलग यूनिवर्स में भागने लगती है। अमेरिका को ये समझ में आ गया था कि उन राक्षसों के पीछे किसी और का हाथ है जिसे उसकी शक्ति चाहिए। फिर अमेरिका की मुलाकात दूसरे यूनिवर्स के एक डॉक्टर स्ट्रेंज से होती है जिसे डिफेंडर स्ट्रेंज भी कहा जाता है। अमेरिका जब उसे ये बताती है कि कोई उसकी शक्ति चुराना चाहता है तो डिफेंडर स्ट्रेंज उसकी मदद करने का फैसला करता है और इस काम के लिए वो अमेरिका चावेस के साथ मिलकर विशांति नाम की एक किताब ढूंढना शुरू करता है। विशांति असल में डार्क होल्ड की अपोजिट बुक थी जिसमें बहुत ही पवित्र और अच्छे जादुई मंत्र लिखे थे और उस किताब से किसी भी परेशानी का हल निकाला जा सकता था। फिर काफी तलाश करने के बाद डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेस बुक ऑफ विशांति का पता लगा लेते हैं। वो किताब गैप जंक्शन नाम की एक जगह पर रखी थी जो कि दो यूनिवर्स के बीच की खाली जगह थी। जब स्ट्रेंज और अमेरिका वहां पहुंचते हैं तो एक मॉन्स्टर वहां आ जाता है और वो उन्हें विशांति तक जाने नहीं देता। फिर डिफेंडर स्ट्रेंज उससे लड़ने की कोशिश करता है, पर वो मॉन्स्टर बहुत ताकतवर था इसीलिए वो उससे कंट्रोल नहीं हो पाता। आखिर में स्ट्रेंज खुद अमेरिका की पावर लेना शुरू करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो शक्तियाँ गलत हाथों में जाए, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर डिफेंडर स्ट्रेंज को मार डालता है और वो अमेरिका को पकड़ लेता है। पर इससे वो बहुत डर जाती है और वो दूसरे यूनिवर्स का एक पोर्टल खोल देती है जिससे अमेरिका चावेज और डिफेंडर स्ट्रेंज की लाश 616 नाम की यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं जो कि मेन मार्वल यूनिवर्स है। उधर वांडा को ये पता चल गया था कि अमेरिका उसकी यूनिवर्स में पहुंच गई है, इसीलिए वो एक ऑक्टोपस मॉन्स्टर को उसके पीछे भेज देती है। दूसरी तरफ इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को अमेरिका चावेज और डिफेंडर स्ट्रेंज का सपना दिखता है, पर वो इस पर ध्यान नहीं देता और वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन पामर की शादी में चला जाता है। लेकिन उस शादी के दौरान वहाँ पास की एक जगह पर वो ऑक्टोपस मॉन्स्टर अमेरिका को पकड़ने के लिए आता है
और तब डॉक्टर स्ट्रेंज वहां जाकर अमेरिका चावेस को बचाने लगता है। फिर वोंग भी वहां आकर उसकी मदद करता है और वो दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को मार डालते हैं। स्ट्रेंज इस बात से हैरान था कि वो लड़की उसके सपने में कैसे आई थी, इसीलिए अमेरिका उन दोनों को अपनी पूरी कहानी बताती है और उन्हें सपने और मल्टीवर्स का कनेक्शन समझाती है, और अपनी बातों को सच साबित करने के लिए वो उन्हें डिफेंडर स्ट्रेंज की लाश भी दिखाती है, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज एक बिल्डिंग की छत पर दफना देता है। वोंग और स्ट्रेंज अमेरिका को उस अनजान दुश्मन से बचाना चाह रहे थे, पर वो इस बात से डर रही थी कि कहीं ये वाला स्ट्रेंज भी डिफेंडर स्ट्रेंज की तरह उसकी शक्तियाँ छीनने की कोशिश न करे। लेकिन फिर वोंग उसे समझाकर अपने साथ कामरताज लेकर जाता है। उधर डॉक्टर स्ट्रेंज को उस ऑक्टोपस मॉन्स्टर पर बने निशान से ये समझ में आ गया था कि उस पर काले जादू का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी जानकारी वांडा मैक्सिमोफ के पास मिल सकती थी। इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से मिलने के लिए जाता है। लेकिन उधर वांडा को ये पता चल गया था कि अमेरिका चावेज अब कामरताज में है और स्ट्रेंज उससे मिलने आ रहा है, इसीलिए वो एक माया जाल फैलाकर डॉक्टर स्ट्रेंज का इंतजार करती है। फिर स्ट्रेंज वहां जाकर वांडा से मदद मांगता है, लेकिन वांडा बातों बातों में गलती से सच उगल देती है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज को ये पता चल जाता है कि वांडा ही अमेरिका के पीछे पड़ी है और वो खुद डार्क होल्ड के वश में आ चुकी है। फिर वांडा स्ट्रेंज को बोलती है कि वो दूसरे यूनिवर्स में अपने बच्चों के पास जाना चाहती है, इसीलिए उसे अमेरिका की पावर्स चाहिए, और क्योंकि मल्टीवर्स में हर बीमारी का इलाज मौजूद है, इसीलिए वो उस शक्ति को हासिल करके अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहती है। लेकिन अमेरिका की पावर्स निकालने से उसकी जान जा सकती थी, इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा का विरोध करता है। पर वांडा उसे ये धमकी देती है कि अगर उसने सीधे सीधे अमेरिका को उसके हवाले नहीं किया तो वो सबको मार देगी। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वापस कामरताज जाता है और वो सबको बताता है कि वांडा अब स्कारलेट विच बन गई है और वो डार्क होल्ड के वश में है। ये सब जानने के बाद वोंग सबको बोलता है कि उन्हें हर हाल में वांडा को रोकना होगा, क्योंकि अगर उसे अमेरिका की शक्ति मिल गई तो वो भविष्यवाणी सच हो जाएगी और स्कारलेट विच पूरे मल्टीवर्स पे राज करेगी। इसलिए दुनिया भर के सभी जादूगर कामरताज में जमा होते हैं और वो वांडा से लड़ने की तैयारी करते हैं। फिर वांडा वहां पर आती है और जब स्ट्रेंज अमेरिका चावेस को उसे नहीं सौंपता तो वो हमला करना शुरू करती है, और वांडा की शक्तियों के आगे सभी जादूगर कमजोर पड़ जाते हैं, जिससे पूरा कामरताज बर्बाद हो जाता है और कई लोग मारे जाते हैं। इसके बाद वांडा कामरताज में घुसकर अमेरिका को पकड़ने की कोशिश करती है। वहां डॉक्टर स्ट्रेंज एक बार फिर उसे समझाने और उससे लड़ने की कोशिश करता है, पर वो आखिर में हार जाता है, और तब वांडा अमेरिका से उसकी पावर छीनना शुरू करती है। लेकिन तभी वो डर के मारे एक पोर्टल खोल देती है और डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका को बचाने के लिए उसे लेकर उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। फिर वो दोनों कई यूनिवर्स से गुजरते हुए आखिर में 838 नाम के यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। वहां पर वो न्यूयॉर्क शहर के सैंक्टम को ढूंढना शुरू करते हैं, ताकि वो उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद लेकर वापस अपनी दुनिया में जा सके। लेकिन जब वो दोनों सैंक्टम के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर उस यूनिवर्स के स्ट्रेंज का स्टैचू मिलता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज मर चुका है। तभी वहां के सैंक्टम से उस यूनिवर्स का मोर्डो बाहर आता है, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज को देखकर ये समझ जाता है कि वो एक अलग यूनिवर्स से आया है। फिर वो अमेरिका और स्ट्रेंज को अपने साथ सैंक्टम के अंदर ले जाता है। वहां पर वो दोनों मोर्डो को बताते हैं कि वांडा उनके पीछे पड़ी है और वो डार्क होल्ड का इस्तेमाल करके मल्टीवर्स में कहीं भी मॉन्स्टर्स भेज सकती है। इस पे मोर्डो उन्हें बोलता है कि वो डार्क होल्ड की मदद से उससे भी भयानक काम कर सकती है, जिसे कहते हैं ड्रीम वॉक। ड्रीम वॉक यानी स्वप्न यात्रा डार्क होल्ड की सबसे खतरनाक रस्म थी, जिसका इस्तेमाल करके कोई भी इंसान मल्टीवर्स में मौजूद अपने किसी भी अवतार को अपने काबू में कर सकता है। मतलब वांडा मॉन्स्टर्स को भेजने के अलावा अपनी अवतार के जरिए खुद भी उनके पीछे आ सकती है। ये सब जानने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज बुक ऑफ विशांति को ढूंढने के लिए मोर्डो से मदद मांगता है, ताकि वो उससे वांडा को हरा सके। लेकिन तभी मोर्डो उन दोनों को बेहोश करके गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि उसका ये मानना था कि मल्टीवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा खुद डॉक्टर स्ट्रेंज है। दूसरी तरफ वांडा कामरताज में डार्क होल के जरिए ड्रीम वॉक करना शुरू कर देती है, और वो कई यूनिवर्स को तलाशने के बाद आखिर में 838 यूनिवर्स में जाती है और वहां की वांडा के शरीर पर कब्जा कर लेती है। फिर वो उस वांडा के बच्चों से मिलती है
लेकिन उसी वक्त 616 यूनिवर्स में जहाँ से वांडा ड्रीम वॉक कर रही थी वहाँ कामरताज की एक जादूगरनी उस डार्क होल को तबाह कर देती है, जिससे वो खुद भी मारी जाती है। और डार्क होल के तबाह होते ही वांडा का ड्रीम वॉक रुक जाता है। इससे वो बहुत भड़क जाती है क्योंकि वो बिना उस किताब के स्वप्न यात्रा नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो वोंग से पूछती है कि वो दोबारा डार्क होल को कैसे हासिल कर सकती है, पर वोंग उसे बताने से इनकार करता है। और तब वांडा कामरताज के बचे हुए जादूगर को तड़पाने लगती है। इसीलिए वोंग उन्हें बचाने के लिए वांडा को ये बताता है कि वो किताब बस एक नकल थी। असली डार्क होल्ड एक पहाड़ पर बने महल की दीवारों पर लिखी हुई है। उस जगह का नाम था माउंट वांडागोर। फिर वोंग वांडा को लेकर माउंट वांडागोर के उस महल में जाता है। वो जगह हजारों साल पहले एक शैतान ने बनाई थी जिसका नाम था चथौन। उसी ने वहाँ पर पहली बार डार्क होल्ड के मंत्र लिखे थे और स्कारलेट विच की भविष्यवाणी की थी। चथौन ने वो महल स्कारलेट विच के लिए ही बनाया था। वहाँ पहुँचने के बाद वोंग एक बार फिर वांडा को समझाने की कोशिश करता है कि वो अमेरिका की पावर्स ना ले, लेकिन वांडा उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है और वो उस महल की मदद से फिर से अपनी स्वप्न यात्रा शुरू कर देती है। दूसरी तरफ 838 यूनिवर्स का मोर्डो स्ट्रेंज और अमेरिका को बेहोश करने के बाद उन्हें एक हाई सिक्योरिटी रिसर्च लैब में लेकर जाता है और वहाँ कैद कर देता है। फिर जब उन्हें होश आता है तो उनकी मुलाकात उस यूनिवर्स की क्रिस्टीन पामर से होती है, जो कि एक साइंटिस्ट थी और वो मल्टीवर्स के खतरों पर नजर रखने का काम करती थी। स्ट्रेंज उसे समझाने की कोशिश करता है कि फिलहाल उनकी यूनिवर्स के लिए वांडा से बड़ा खतरा कोई नहीं है, लेकिन तभी मोर्डो वहाँ आकर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के पास लेकर जाता है। इल्यूमिनाटी उस यूनिवर्स के सुपर हीरोज का एक ग्रुप था, जिसमें कैप्टन कार्टर, ब्लैक बोल्ट, कैप्टन मार्वल, रीड रिचर्ड्स, प्रोफेसर एक्स और मोर्डो, ये सभी लोग शामिल थे। इल्यूमिनाटी को उस यूनिवर्स की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। फिर रीड रिचर्ड्स डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि उसके इस यूनिवर्स में आने से इनकर्जन का खतरा बढ़ गया है। इनकर्जन एक ऐसी घटना है जिसमें दो यूनिवर्स के बीच की सरहद मिट जाती है और वो आपस में टकराने लगते हैं। इससे कोई एक या दोनों यूनिवर्स पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज उन सबको वांडा के बारे में आगाह करने की कोशिश करता है, पर इल्यूमिनाटी का ये मानना था कि डॉक्टर स्ट्रेंज ही मल्टीवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि उनके यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसे सुप्रीम स्ट्रेंज भी कहा जाता है, वो बहुत खतरनाक था। फिर वो सब लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को बताते हैं कि कुछ साल पहले उनके यूनिवर्स में थैनोस ने जंग शुरू कर दी थी। तब इल्यूमिनाटी के सब लोगों ने उससे लड़ना चालू किया था, लेकिन सुप्रीम स्ट्रेंज ने थैनोस से निपटने के लिए डार्क होल्ड का सहारा लिया। वो उसकी मदद से ड्रीम वॉक करने लगा और पूरे मल्टीवर्स में घूमकर थैनोस को हराने का तरीका ढूंढने लगा, पर इससे उसे कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उससे एक नुकसान हो गया, क्योंकि ड्रीम वॉक एक बहुत ही भयानक जादू है। उसका ज्यादा इस्तेमाल करने से दो यूनिवर्स के बीच की सरहद मिटने लगती है और इनकर्जन शुरू हो जाता है। सुप्रीम स्ट्रेंज के ड्रीम वॉक की वजह से एक यूनिवर्स पूरी तरह बर्बाद हो गया था, जिसका उसे बहुत अफसोस हुआ। इसीलिए उसने डार्क होल्ड का इस्तेमाल छोड़ दिया। उसके बाद उसने बुक ऑफ विशांति को ढूंढा, जिसका इस्तेमाल करके इल्यूमिनाटी के सभी लोगों ने थैनोस को हराया। पर इस सब के बाद भी सभी हीरोज को ये लग रहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक बहुत खतरनाक इंसान है और वो आगे भी कोई मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसीलिए सब ने मिलकर उसे मारने का फैसला किया और फिर ब्लैक बोल्ट ने उसे खत्म कर दिया। और तब से इल्यूमिनाटी ने ये मान लिया कि मल्टीवर्स में मौजूद डॉक्टर स्ट्रेंज के सभी अवतार उतने ही खतरनाक है। इसीलिए वो 616 यूनिवर्स के स्ट्रेंज को भी मारने का सोच रहे थे, लेकिन उसी दौरान 616 की वांडा फिर से ड्रीम वॉक के जरिए 838 की वांडा को अपने वश में कर लेती है और वो इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर पहुंच जाती है। वहां वो सबको मार के अमेरिका चावेस तक जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कैप्टन कार्टर, ब्लैक बोल्ट, कैप्टन मार्वल और रीड रिचर्ड्स अमेरिका को बचाने के लिए वहां चले जाते हैं, लेकिन वांडा एक एक करके उन सभी को मार डालती है। उधर प्रोफेसर एक्स को ये महसूस होता है कि ये वाला डॉक्टर स्ट्रेंज उनके स्ट्रेंज से थोड़ा अलग है, इसीलिए वो उसे बुक ऑफ विशांति का इस्तेमाल करके अमेरिका चावेस को बचाने बोलते हैं। फिर वो उसे बताते हैं कि उनकी यूनिवर्स में एक खास रास्ता है जो कि उस किताब तक जाता है। ये बताने के बाद प्रोफेसर एक्स वांडा को रोकने के लिए जाते हैं। इधर मोर्डो अब भी स्ट्रेंज के खिलाफ था और वो उसे मारना चाहता था। फिर उन दोनों की लड़ाई होती है, पर स्ट्रेंज मोर्डो से बच के वहाँ से भाग जाता है।
उधर प्रोफेसर एक्स वांडा को अपनी शक्ति से काबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें भी मार देती है। उतनी देर में ही अमेरिका और क्रिस्टीन वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो दोनों जाकर स्ट्रेंज से मिलते हैं और अब क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज पर भरोसा करके उसे बुक ऑफ विशांति तक ले जाने का फैसला करती है। फिर वो तीनों वांडा से बचते हुए गैप जंक्शन तक पहुँचते हैं। वहाँ स्ट्रेंज को बुक ऑफ विशांति मिल जाती है, लेकिन तभी वांडा वहाँ आकर उस किताब को जला देती है। फिर वो अमेरिका को अपने वश में करके उससे एक पोर्टल खुलवाती है और वो स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को एक ऐसी यूनिवर्स में फेंक देती है जो कि इनकर्जन से बर्बाद हो गया था। फिर वो अमेरिका से 616 यूनिवर्स का पोर्टल बनवाती है और वो उसे कामरताज में अपने सामने भेज देती है। इसके बाद वो अपना ड्रीम वॉक बंद कर देती है, जिससे 838 की वांडा आजाद हो जाती है और वो वापस अपने घर चली जाती है। फिर मेन वांडा अमेरिका की शक्ति निकालने की तैयारी शुरू करती है। दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन उस इनकर्जन वाली यूनिवर्स में फंस गए थे और वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए उस यूनिवर्स के स्ट्रेंज की हेल्प लेने का सोचते हैं। फिर वो दोनों वहाँ के सैंक्टम में जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक बुरा डॉक्टर स्ट्रेंज मिलता है, जिसे सिनिस्टर स्ट्रेंज भी कहा जाता है। कुछ साल पहले उस यूनिवर्स में जब क्रिस्टीन पामर ने वहाँ के डॉक्टर स्ट्रेंज से शादी नहीं की थी, तब उस स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड का इस्तेमाल करके ड्रीम वॉक करना शुरू किया और वो एक ऐसी यूनिवर्स की तलाश करने लगा जहाँ क्रिस्टीन और वो साथ में हो, पर उसे ऐसा कोई भी यूनिवर्स नहीं मिला। इसीलिए उसने गुस्से में ड्रीम वॉक के जरिए सभी यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को मारना शुरू कर दिया, पर उसके इस ड्रीम वॉक की वजह से आखिर में उसका ही यूनिवर्स बर्बाद हो गया और डार्क होल्ड के ज्यादा इस्तेमाल से उसकी आत्मा भ्रष्ट हो गई। फिर 616 का डॉक्टर स्ट्रेंज वहां जाकर सिनिस्टर स्ट्रेंज से मिलता है और वो उससे उसका डार्क होल्ड मांगता है ताकि वो अपने यूनिवर्स से जुड़ सके, लेकिन सिनिस्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड के बदले में उससे क्रिस्टीन पामर की मांग करता है और तब उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर काफी देर की लड़ाई के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उस बुरे स्ट्रेंज को मार के उसका डार्क होल्ड हासिल कर लेता है। इसके बाद वो ड्रीम वॉक के जरिए अपने यूनिवर्स में जाने की तैयारी करता है ताकि वो वांडा को रोक सके, लेकिन ड्रीम वॉक के लिए दूसरी यूनिवर्स में खुद का एक अवतार होना जरूरी था, पर 616 यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई भी जिंदा अवतार नहीं था। वहां पर बस उसका एक मरा हुआ अवतार था जो था डिफेंडर स्ट्रेंज, इसीलिए वो उसी को ड्रीम वॉक के जरिए जगाता है और उसे माउंट वांडागोर पे ले जाता है। पर क्योंकि एक लाश को जिंदा करना कुदरत के नियमों के खिलाफ था, इसीलिए नर्क की बुरी आत्माएं स्ट्रेंज को दोनों तरफ से मारने की कोशिश करती है। फिर क्रिस्टीन एक तरफ की आत्माओं को खत्म करती है और वो स्ट्रेंज को दूसरी तरफ की आत्माओं से लड़ने बोलती है और तब डॉक्टर स्ट्रेंज उन सभी आत्माओं को अपने वश में कर लेता है और वो उनकी मदद से वांडा को रोकने जाता है। फिर वॉन्ग और स्ट्रेंज दोनों मिलकर वांडा का मुकाबला करते हैं, पर वो उससे हारने लगते हैं। इसीलिए वॉन्ग स्ट्रेंज को बोलता है कि वो अमेरिका की पावर खुद ले ले ताकि वो वांडा को ना मिल पाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, बल्कि वो अमेरिका को समझाकर उसे उसकी शक्ति काबू करना सिखाता है और तब अमेरिका वांडा से लड़ना शुरू करती है और वो उसे वापस 838 यूनिवर्स में उसके बच्चों के सामने लेकर चली जाती है, जहां वो बच्चे वांडा का भयानक रूप देखकर बहुत डर जाते हैं और वो उससे दूर भागने लगते हैं। इससे वांडा को एहसास होता है कि डार्क होल्ड ने उसे एक हैवान बना दिया है, इसीलिए वो होश में आ जाती है और बहुत रोने लगती है। तभी उस यूनिवर्स की वांडा इस वांडा का दर्द समझ जाती है और वो उसे माफ कर देती है और वो उन बच्चों का ख्याल रखने का वादा करती है। फिर अमेरिका वांडा को वापस 616 यूनिवर्स में ला लेती है और तब वांडा उस महल को तबाह करके खुद के ऊपर गिरा लेती है और वो मरते मरते हर यूनिवर्स के डार्क होल्ड को तबाह कर देती है ताकि कोई भी उसके वश में ना आ सके। इसके बाद अमेरिका उस इनकर्जन वाली यूनिवर्स में जाकर क्रिस्टीन और स्ट्रेंज को वहां से निकालती है और उन्हें अपने अपने यूनिवर्स में छोड़ देती है। और अब अमेरिका चावेज खुद भी 616 यूनिवर्स में रुक जाती है और कामरताज में ट्रेनिंग करना शुरू करती है। फिर कुछ टाइम बाद अचानक डॉक्टर स्ट्रेंज की तीसरी आंख निकल आती है, क्योंकि डार्क होल्ड और ड्रीम वॉक के इस्तेमाल से अब उसकी आत्मा भी भ्रष्ट हो चुकी थी। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में क्लिया नाम की एक औरत डॉक्टर स्ट्रेंज से आकर मिलती है। क्लिया असल में डार्क डायमेंशन की एक शक्तिशाली जादूगरनी है और वो डोरमामू की भांजी है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलती है कि उसकी हरकतों की वजह से एक यूनिवर्स में इनकर्जन शुरू हो गया है, जिसे ठीक करने के लिए वो स्ट्रेंज से मदद मांगती है और उसे अपने साथ डार्क डायमेंशन में लेकर चली जाती है।
तो दोस्तों ये थी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.